मैं पत्रकार वीरेंद्र रावत हूँ। मेरे साथ आज मेरे घर में घुसकर रवि सिंह, रोहित सिंह, गौरव सिंह, भोला सिंह उर्फ अमित और देव, रोमेश शर्मा, उदय गोप द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। मेरे घर में घुसकर मुझे मारा गया है। पहले रोहित सिंह से मेरी हाथापाई हुई और उस दौरान मैं भारी पड़ने लगा और इसके बाद यह लोग पूरे जो है संख्या बल के साथ फिर मारने लगे। इसके बाद जो है बगल में, मेरे घर के बगल में लकड़ी था, लकड़ी से मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उसके बाद जो है पत्थर था, पत्थर से मेरे ऊपर मारा गया। बीच बचाव में महिलाएं, मेरी वाइफ थी और भाभी थी और अगल बगल महिलाएं थी, कोई घर में मेरा भाई भी नहीं था, मैं अकेला था इसी कारण, और पापा थे मेरे, तो इसके कारण ये लोग हावी हो गया मेरे ऊपर। और इसके बाद जो है हम, वो मेरे ऊपर पत्थर से मारने लगा, तो फिर हम अंदर, हम मेरी वाइफ जो है दूसरे का बगल में जो पड़ोसी है उसके घर में घुसा के बंद कर दी। और उसके बाद जान से मारने का ये लोग धमकी दिया है और लगातार जो है प्रेशर बना रहा। हम नामकुम थाना रोड नंबर 11 के तारीफ रोड नंबर 11 में घर है मेरा, वहीं पे मारा है घर में घुस के। नामकुम थाना में इस मामले में सनहा दर्ज कर दिए हैं, FIR का कॉपी आप लोगों को हम दे दे रहे हैं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि जो है जो लोग मेरे ऊपर मारा है, जो लोग जानलेवा हमला किया है, उन लोग के ऊपर कार्रवाई करवाइए आप लोग। और ये लोग लगातार जो है कमजोर लोगों के ऊपर बलपूर्वक जो है अपना वर्चस्व कायम करता है कुछ दिन से। ये लोग जो है कतारी बगान रोड नंबर 13 में रहता है और लगातार ये लोग जो है जो कमजोर है उसके ऊपर ये लोग दिखाता है, ताकत दिखाता है। आज जो है अकेला पाकर मेरे ऊपर भी ये लोग ताकत दिखाया है। अभी हम थाना से आए हैं और इसके बाद कोशिश कर रहे हैं कि थाना पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में कार्रवाई हो और इंसाफ मिले, ताकि कम से कम किसी के घर में घुस के मारने का नौबत ना आए। खास करके पत्रकार के घर में भी जो लोग जो है घर में घुस के मार रहे हैं, ये भी दुर्भाग्य है। तो वही है मामला मिला जुला के। इससे पहले क्या हुआ था मामला, मेरे ऊपर ही लोगों ने क्यों मारा है, मेरे ऊपर किन कारणों से हमला किया है घर में घुस के, यह जान लीजिए। मामला ये है कि भसान सरस्वती पूजा का था और उस दौरान जो है ये लोग बच्चे लोगों पे नशा की हालत में मारपीट करने लगा। इस दौरान हम और कुसुम रंजीता सिंह मुंडा बचाने लगे, तो उस बीच जो है ये लोग हम लोग के ऊपर भी हावी हो गया। हम लोग उस दिन समझा बुझा के देखे कि मामला नॉर्मल हो जाना चाहिए, काहे लड़ाई झगड़ा करें, दारू उरू का नशा में हो सकता हो गया होगा। फिर अगले दिन जो है ये लोग जो है फिर ये लोग गाली गलौज करने लगा। एक महिला है कुसुम जो है उसके ऊपर भी लोग गाली गलौज कर रहे थे। तो इसके जो पति हैं कुसुम के, नवीन केकटा, वो जो है उनके ऊपर गए थे, इन लोगों के पास घर गए थे, तो ये लोग जो है समझा बुझा के वो लोग अपना शॉर्ट आउट हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये लोग जो रवि लोग है, रवि सिंह हो गए, जो गौरव सिंह हो गए, रोहित सिंह हो गए, जो हमारे ऊपर मारे हैं, वो लोग क्या किए कि बोले, हमको फोन करके धमकी दिए कि जो है क्या बोलते हैं कि तुम जो है मेरे घर में चढ़वाए हो आदमी, ठीक है। तो हम बोले हम नहीं चढ़वाए। फिर इसके बाद नवीन की वाइफ जो है कुसुम जो है जिससे उसका हुआ था बगझक, उनसे भी बात करा दिए, तो वो भी कही कि हम तो घर देखे ही हैं, क्योंकि घर के पीछे ही उनका घर है उन लोगों का। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग उसी मामले को लेके अकेला पाकर ये लोग सोचा कमजोर है और ये लोग हावी हो गया। चार पांच लोग है, ये लोग चार पांच भाई है, ये लोग लगातार वो अपना वर्चस्व जो है कायम करना चाहता है इस आसपास में। और फिर इसके बाद जो है इसके घर में एक जो है ASI है, कोई उनके चाचा है, उनको जो है काफी उसके बल पे जो है लोग उड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो बल मिल रहा, तभी तो इस तरह का घटना हो रहा है। इससे पहले भी कई जगहों पे लड़ाई झगड़ा किया है, जहां देखता कमजोर पाता है तो माफी मांग लेता है, और इससे पहले जहां कमजोर नहीं है तो इससे पहले क्या करता है जाके मारता है लोग, ये लोग मिल के। इससे पहले मुंडागढ़ा में जब मारा बच्चा लोग को, तो फिर बच्चा का माए बाप जब आ गया तो ये लोग जो है छुप छुपा के घर में घुस गया। और उसके बाद जो है बीच में फिर हुआ था लड़ाई का, अक्सर जो है लड़ाई होते रहता है, यही है मामला। और फिर इसके बाद इसी को लेके जो है कि ये लोग जो क्यों हम घर बता दिए, जबकि हम घर नहीं बताए थे। और उसके बाद इसी मामले को लेके ये लोग घर चढ़ा मेरा, और उसके बाद गाली गलौज किया, माँ बहन किया, फिर उसके बाद जो है जान से मारने की कोशिश किया है। वही है, पापा और मम्मी को भी चोट लगा है इसमें।